Tension members. Unit 4. लास्ट लेक्चर में हमने टेंशन मेंबर्स के ऊपर फोर्सेस जो लग रहे थे उनके बारे में पढ़ा था. आज हम लोग टेंशन मेंबर्स जो कि एंगल सेक्शंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और कोडल प्रोविजंस देखेंगे. एंगल्स अंडर टेंशन. लास्ट लेक्चर में हमने प्लेट्स पढ़ी थी, इस बार हम एंगल्स पढ़ेंगे. एंगल्स अगर एक्चुअली लोडेड होते हैं थ्रू सेंट्रॉइड्स तो उनको हम प्लेट की तरह डिज़ाइन करते हैं, लेकिन जनरली एंगल सेक्शन सेंट्रॉइडली लोडेड नहीं होते हैं. एंगल्स की एक लेग गजर प्लेट से कनेक्टेड होती है जिस कारण इनमें इसेंट्रिक लोडिंग होती है. इस इसेंट्रिक लोडिंग के कारण एंगल सेक्शन में नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस होता है, और ये जो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस है इससे शियर लैग होता है. शियर लैग क्या होता है ये अभी आगे हम और पढ़ेंगे. ये एक एंगल सेक्शन है जिसकी एक लैग कनेक्टेड है और ये आउटस्टैंडिंग लैग है. जो दूसरी लैग है उस पर एक बोल्ट होल है और इस लैग में दो बोल्ट होल्स हैं. जो इसके बोल्ट्स हैं वो स्टैगर्ड हैं. हमें गेज डिस्टेंस निकालना है तो गेज डिस्टेंस को निकालने के लिए इस एंगल सेक्शन की जो ये लैग है इसको हम घुमा के सेंटर लाइन पे इसको रोटेट करके एक प्लेट का फॉर्म में बना लेते हैं. जब हम इसको प्लेट के फॉर्म में बनाते हैं तो जो गेज डिस्टेंस आता है जी स्टार वो होता है जी ए माइनस टी बाई टू. टी जो है एंगल सेक्शन की थिकनेस है, प्लस जी बी माइनस टी बाय टू इज इक्वल टू जी ए प्लस जी बी माइनस टी. आगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा. आईएस कोड ने शियर लैग का इफेक्ट लेते हुए एंगल सेक्शंस को डिज़ाइन करने के लिए जो प्रोविजंस दिए हैं उसमें TDN जो है नेट सेक्शन रप्चर वो उसका क्या है 0.9 FUANC अपॉन गामा M1 प्लस बीटा AG0 FY अपॉन गामा M0. शियर लेग क्या होता है, जब एंगल सेक्शन का एक लेग तो कनेक्टेड है और दूसरी लेग आउटस्टैंडिंग लेग है, जब इस पर कोई कनेक्शन नहीं लग रहा है तो जब हम फोर्स लगाते हैं तो जो कनेक्टेड लैग होती है वो पहले स्ट्रेस्ड होगी और आउटस्टैंडिंग लैग पे स्ट्रेस बाद में आएगा. कई बार तो कनेक्टेड लैग पे अल्टीमेट लोड तक आ जाता है और आउटस्टैंडिंग लैग में ईल स्ट्रेस ही या इससे भी कम स्ट्रेस आता है. इसी प्रोविज़न को कोड ने लिया है और इस चीज़ को बोलते हैं शियर लैग. ये इस फॉर्मूले में ANC कनेक्टेड लैग है और AG0 आउटस्टैंडिंग लैग का ग्रॉस एरिया है. आउटस्टैंडिंग लैग के साथ हमने बीटा जो शियर लैग इफेक्ट को कंसिडर करता है वो पैरामीटर लिया है, और कनेक्टेड लैग उसके लिए जो प्लेट्स में जो फॉर्मूला लेते हैं 0.9 FUANC अपॉन गामा M1 यही फॉर्मूला लिया है. बीटा जो है 1.4 माइनस 0.076 BS अपॉन LC W अपॉन T FY अपॉन FU. ये जो फॉर्मूला है कोड में दिया हुआ है. इस फॉर्मूले में W एंड T ये साइज यानी कि चौड़ाई एंड थिकनेस है आउटस्टैंडिंग लेग की. कोड में भी ये दिया हुआ है, ये आपका कोडल प्रोविज़न है. इसमें ये एंगल सेक्शन है, बोल्टेड कनेक्शन है, इसमें वेल्डेड कनेक्शन है. जो बोल्टेड कनेक्शन है उसके अंदर आउटस्टैंडिंग लेग की चौड़ाई W है, T आउटस्टैंडिंग लेग की थिकनेस है, BS जो होती है वो शियर लेग विड्थ होती है. शियर लेग विड्थ मतलब जहाँ से आपकी फर्स्ट बोल्ट लाइन है वहाँ से लेके आउटस्टैंडिंग लेग का जो एज है एंड है वहाँ तक का डिस्टेंस W प्लस W1 माइनस T, ये शियर लेग विड्थ कहलाता है. इसमें एक टर्म और आया है LC. LC होता है
कनेक्शन लेंथ की लंबाई, लेंथ ऑफ द एंड कनेक्शन, ये कहाँ से कहाँ तक लेना है, जो आउटर मोस्ट जो बोल्ट्स होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस होता है, ये कुछ इस तरह से है। अगर ये से हमारा ये सेक्शन है जिसमें ये कई बोल्ट्स लगे हुए हैं, तो आउटर मोस्ट बोल्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज एलसी, यही लिखा है, डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट बोल्ट्स इन द एंड जॉइंट, और ये मेजर करना है लोड डायरेक्शन के अंदर और वेल्ड लेंथ अलोंग द लोड डायरेक्शन। न्यूमेरिकल्स में आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। ये हमारा है, इसमें ये कोडल प्रोविजंस, ए एन सी नेट एरिया ऑफ द कनेक्टेड लेग एट क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन पे लेना है, और यही क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन निकालने का फॉर्मूला हमने यहाँ पे सीखा है, एंड ग्रॉस एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग। प्रिलिमिनरी डिसाइजिंग के लिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज को निकालने के लिए हम लोग टी डी एन का फॉर्मूला ये भी ले सकते हैं, अल्फा ए एन एफ यू अपॉन गामा एम वन, जहाँ पे अल्फा 0.6 होता है 1 और 2 बोल्ट्स के लिए, 0.7 3 बोल्ट्स के लिए, और 4 या उससे ज़्यादा बोल्ट्स के लिए 0.8 होता है। ये जो फॉर्मूला है ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज देंगी, तो जब हम लोग साइज को निकालते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, तब हम इस फॉर्मूले को लेते हैं, लेकिन एक्यूरेट वैल्यूज़ के लिए एंगल सेक्शन में हमें यही वाला फॉर्मूला लेना होगा। इसके अलावा अगर एंगल सेक्शंस के अलावा कोई और सेक्शंस हैं, जैसे कि आई सेक्शंस हैं, चैनल सेक्शंस हैं, डबल एंगल सेक्शंस हैं, उन सब में भी शीयर लैग के इफ़ेक्ट को लेना होता है, और उसमें भी यही जो फॉर्मूलेज आपने निकाले हैं इन्हीं को कंसिडर करना है। अब एक बार मैं कोड में आपको और डिस्कस कर लेते हैं कहाँ पर क्या चीज़ दी हुई है। कोड में 6.1 पेज नंबर 32 पे ये बताया है कि टेंशन मेंबर्स जो होते हैं वो लीनियर मेंबर्स होते हैं, जिन पे एक्शन फोर्सेस लगता है, जिसके कारण इनमें इलोंगेशन होता है। ये जो मेंबर्स होते हैं ये अल्टीमेट लोड, मैक्सिमम लोड तक ले सकते हैं, लेकिन इसके आगे ये लोड नहीं ले पाएंगे, और इनमें रप्चर फेलियर हो जाता है, रप्चर मतलब क्रैक्स आ जाएंगे, और किस पे आएंगे, क्रिटिकल सेक्शन पर आएंगे। इसी प्रोविज़न को यहाँ पे इन्होंने लिया, अल्टीमेट लोड और नेट सेक्शन लिया है, ठीक है। लेकिन जो ग्रॉस एरिया हम लेते हैं वो उसमें यील्डिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा उसमें फैलाव होता है, बहुत ज़्यादा वो बहता है, लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ती है, यील्डिंग होती है, जिसके कारण जिस चीज़ के लिए आपने इस सेक्शन को डिज़ाइन किया है उसके लिए ये नॉन फंक्शनल हो जाता है, उसके लिए ये फ़ायदेमंद नहीं रहता है ड्यू टू एक्सेसिव इलोंगेशन। और थर्ड है ब्लॉक शेयर फेलियर, ये 6.4.1 में दिया हुआ है। कोड कहता है कि जो भी टेंशन फोर्स आप लगा रहे हैं वो इसकी जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ है उससे कम आनी चाहिए, और डिज़ाइन स्ट्रेंथ क्या है, टीडी, ये लोवेस्ट है, सबसे कम है, किससे, यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन टीडीजी से, TDN से एंड TDB से। 6.2, 6.3 एंड 6.4 में से जो वैल्यूज़ आप निकालेंगे उनमें सबसे कम वैल्यू जिसकी आएगी, दैट इज़ द डिज़ाइन स्ट्रेंथ, और डिज़ाइन स्ट्रेंथ से कम एक्शियल फोर्स, टेंसाइल फोर्स लगना चाहिए। सबसे पहले हम करते हैं डिज़ाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन। TDG का फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, AgFy अपॉन गामा M0। AG जो है वो ग्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये हम स्टील टेबल से निकाल लेंगे। FY है यील्ड स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल, ये मैं आपको दिखा बता देती हूँ ये कहाँ पे दिया हुआ है, ये कोड है आपका, ये टेबल 1 है पेज नंबर 14। इसके अंदर जनरली हम लोग Fe410 ग्रेड का स्टील यूज़ करते हैं और A ग्रेड होती है, तो इसके अंदर यील्ड स्ट्रेस दिया हुआ है 250। अगर सेक्शन की थिकनेस 20 mm से कम है, और जनरली हमारी जो थिकनेस है, थिकनेस की बात कर रहे हैं, वो 20 mm से कम होती है, तो 250 आप यील्ड स्ट्रेस लेंगे। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस इसमें 410 है, ये सारी यूनिट्स MPa में हैं।
गामा एन जीरो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स ये टेबल फाइव में दी है, ये है आपकी टेबल फाइव। इसके अंदर ये दिया हुआ है रेजिस्टेंस ड्यू गवर्न्ड बाय यील्डिंग 1.10 एंड रेजिस्टेंस ऑफ मेंबर टू बकलिंग, ये बकलिंग अभी हमारे है नहीं, रेजिस्टेंस बाय अल्टीमेट स्ट्रेस गामा एम वन ये है 1.25। तो अभी हमारे जो दो फॉर्मूले काम में आएंगे वो 1.10 एंड 1.25 आएंगे। फिर है डिज़ाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। सबसे पहले हम अलग प्लेट्स लेंगे, प्लेट्स के अंदर TDN का जो फॉर्मूला है वो है 0.9 AN FU अपॉन गामा एम वन। ये सब पैरामीटर्स मैं आपको पहले भी हमने एक्सप्लेन कर चुके हैं। AN जो होता है वो नेट इफेक्टिव एरिया ऑफ द मेंबर होता है, जिसका फॉर्मूला ये रहा AN इज इक्वल टू B माइनस एन डी एच प्लस पी स्क्वायर अपॉन 4G होल मल्टीप्लाइड बाई टी। बी और टी विड्थ एंड थिकनेस ऑफ द प्लेट होती है रिस्पेक्टिवली। ये एक प्लेट दिया हुआ है जिसकी चौड़ाई बी है, इसकी थिकनेस टी होगी, डी एच होता है होल का डाया, 2 mm इन एडिशन टू द डायमीटर ऑफ होल इन केस ऑफ पंच्ड होल। हमने पहले डिस्कस किया था कि पंचिंग जब हम करते हैं तो साइड्स में क्रैक्स आ जाते हैं, तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो जाता है, इसके कारण पंच होल्स में हम लोग होल डाया को 2 mm एडिशनली बढ़ा देते हैं। जी जो होता है वो गेज डिस्टेंस होता है, ये दिया हुआ है आपको गेज डिस्टेंस। लोड लाइन ये है, तो लोड लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द होल्स दैट इज जी गेज डिस्टेंस। PS जो होता है वो होता है स्टैगर्ड पिच लेंथ बिटवीन द बोल्ट्स, ये दिया है PS। अलग अलग अगर डिस्टेंसेज हैं तो आप इनको अलग अलग लिखेंगे। एन जो है नंबर ऑफ बोल्ट होल्स इन द क्रिटिकल सेक्शन, जो भी आपका क्रिटिकल सेक्शन है उसमें जितने भी बोल्ट होल्स आ रहे हैं उन सब का नंबर यहाँ पर है। ये प्लेट सेक्शंस के लिए है, अभी हम इसको न्यूमेरिकल्स पे डिस्कस करेंगे। फिर थ्रेडेड रॉड्स, अगर थ्रेडेड रॉड्स जो हमने अगर लगाई है टेंशन मेंबर में तो उनके लिए जो फॉर्मूला है वो TDN इज इक्वल टू 0.9 AN FU अपॉन गामा एम वन है। सिंगल एंगल्स लिए हैं, अभी हम सिर्फ सिंगल एंगल्स ले रहे हैं, तो TDN का जो फॉर्मूला है वो है 0.9 AN CFU अपॉन गामा एम वन प्लस बीटा AG0 FY अपॉन गामा एम जीरो। ये सब जो पैरामीटर्स हैं ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। जो चीज़ रह गई थी ANC होता है नेट एरिया ऑफ द कनेक्टेड लेग, जो लेग कनेक्टेड है उसका नेट एरिया निकालेंगे। एरिया कैसे निकालोगे, चौड़ाई उसमें से जो ब्रेथ है उसमें से बोल्ट होल को माइनस कर देंगे, यानी कि बोल्ट होल का डायमीटर माइनस करोगे। जैसे मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, जैसे मान लीजिए ये आपका एंगल सेक्शन है जिसकी ये डिस्टेंस अगर 100 है, बोल्ट होल जो है बोल्ट का होल बता रही हूँ अगर ये 20 mm का है तो ये हो जाएगा 100 माइनस 20 माइनस इसकी अगर थिकनेस जो है वो 6 mm है तो -6/2 × 6 ये नेट एरिया ऑफ द कनेक्टेड लेग है। एरिया मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई 6 और लंबाई कितनी हो गई 100 में से इसको माइनस किया और माइनस किया थिकनेस बाय 2। माइनस क्यों करते हैं आधा, क्योंकि ये कर्व पोर्शन है। ऐसी ग्रॉस एरिया ऑफ द आउटस्टैंडिंग लेग AGO, ग्रॉस एरिया मतलब टोटल एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये भी जो भी आ रहा है, अगर ये मान लीजिए 75 mm की है तो 75 × 6 इसमें कोई डिडक्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी होल नहीं हुआ हुआ है, टोटल एरिया आप लेंगे। ये AG0 जाएगा ग्रॉस एरिया ऑफ द आउटस्टैंडिंग लेग एंड T इज़ अ थिकनेस। बाकी सारे पैरामीटर्स हम डिस्कस कर चुके हैं, अदर सेक्शंस मैंने आपको बताया था। एक बार ब्लॉक शेयर देख लेते हैं। ब्लॉक शेयर जो होते हैं वो कुछ इस तरह से होगा, ये फिगर दिया हुआ है आपके कोड में ब्लॉक शेयर के लिए। ये आप लोग ये टेंशन मेंबर्स हैं, एक के ऊपर एक दो प्लेट्स लगी हुई हैं, यहाँ पे आपने टेंसाइल फोर्स लगाया है, तो ये जो ये एंड कनेक्शंस पे होता है लास्ट में जो होता है एंड वहाँ पे होगा, तो ये जो प्लेट है ये इसके साथ खिंच के अलग हो रही है, ये मटेरियल अलग निकल रहा है, तो यहाँ पे
अब ये है देखो, इसमें दिया हुआ है आपको यहीं पे ब्लॉक शियर के फेलियर में, इसमें सब दिए हुए फॉर्मूले, मिनिमम ग्रॉस एंड नेट एरिया एवीजी एंड एवीएन, एवीजी मतलब ग्रॉस एरिया, मिनिमम ग्रॉस एरिया, और एवीएन मतलब मिनिमम नेट एरिया इन शियर, और किसके अलॉन्ग शियर मैंने आपको बताया था लोड के पैरेलल चलेगा इन बोल्ट लाइन पैरेलल टू एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि 1, 2 और 3, 4 इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है उसको लेना है। एवीजी में जो एंड है यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई इनटू थिकनेस लेंगे, और एवीएन में बोल्ट होल्स जो है उनको माइनस करेंगे। न्यूमेरिकल्स में आपको और ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। एटीजी और एटीएन ये जो है ये मिनिमम ग्रॉस एंड नेट टेंसाइल एरियाज हैं, और ये 2-3 डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ द फोर्स है। तो ये इस तरह से लेना है। अगर आपका सेक्शन, ये तो प्लेट सेक्शन हुआ, ये एंगल सेक्शन है, एंगल सेक्शन में ये लेग है, तो लेग के डायरेक्शन में नहीं फेलियर होगा, फेलियर कुछ इस तरह से होगा। तो जो ATN और ATG निकालोगे वो इस डायरेक्शन में होगा, लेग की डायरेक्शन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो मटीरियल है, यहाँ पे क्रैक कैसे होगा, इतना लंबा चौड़ा क्रैक कैसे आएगा, इसलिए छोटा डायरेक्शन जो होगा वो यही डायरेक्शन दिख रहा है, इसलिए इधर आएगा। और क्रैक ऐसे भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो छोटी लेंथ है वो इस तरह से, तो इसलिए क्रैक का जो डायरेक्शन है वो कुछ ये है। तो 1, 2 AVG एंड AVN के लिए है, और 2, 3 वाला ATG एंड ATN निकालने के लिए है। जो है ब्लॉक शियर बोल्टेड कनेक्शंस में, बोल्टेड कनेक्शंस में ही लेंगे इसको, तो TDB का जो दो फॉर्मूला है, ये दो फॉर्मूला है, इनमें से जो भी फॉर्मूला आपको मिनिमम वैल्यू देगा उसी को आपको लेना है। जो वेल्डेड कनेक्शंस होते हैं उसके अंदर भी आपको वेल्ड जिस डायरेक्शन में फेल हो रहा है उसको लेते हुए आपको ये शेयर फॉर्मूला निकालना है।